दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या फिर जानना नहीं चाहते। इस दुनिया में समय समय पर ईश्वर के चमत्कार होते रहते हैं, इससे लोगों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनी रहती है। ये बात सही है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरे वो जो ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को मानने वालों को आस्तिक कहा जाता है और जो ईश्वर को नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहते हैं। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनका मानना है कि इस दुनिया की रचना भगवान ने की है, जबकि ईश्वर को ना मानने वाले कहते हैं कि इसकी रचना भगवान के आने से भी पहले हुई है। हालांकि ये एक लंबी बहस है जिसका कोई अंत नहीं है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबको ये स्वतंत्रता है कि वह अपने हिसाब से अपनी विचारधारा को बनाए। लेकिन समय समय पर हमारे आसपास कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो ये साबित करते हैं कि ईश्वर आज भी हमारे बीच मौजूद है। जिन लोगों को ईश्वर पर यकीन नहीं होता है वह भी एक बार को हैरानी में पड़ जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन और उसके विनाश का जिम्मा संभालने वाले भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। भगवान शिव को सबसे बड़ा तपस्वी और भोला मानते हैं। हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव हिमालय के कैलाश मानसरोवर पर वास करते हैं। माना जाता है कि विश्व में तीन कैलाश पर्वत हैं। पहला कैलाश मानसरोवर है जो कि तिब्बत में है, दूसरा आदि कैलाश जो कि उत्तरांचल में है, और तीसरा है किन्नौर कैलाश जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं बस वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आध्यात्मिक शांति मिलती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। दोस्तों, ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट हो सकती है। दोस्तों, जब वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जांच करने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कैलाश पर्वत से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें पता चला कि यह ध्वनि कोई और नहीं बल्कि ओम की ध्वनि है। उस ध्वनि को सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओम की ध्वनि भले ही कैलाश पर्वत से आ रही हो, लेकिन हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा पर्वत है जिस पर प्रकृति अपने पेन से ओम लिखती है। आपको जानकर और भी हैरानी तब होगी जब आप जानेंगे कि उस पर्वत का नाम ओम पर्वत है। दोस्तों, जहाँ पर तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमाएं मिलती हैं, वहीं पर ओम पर्वत स्थापित है। इस पर्वत से अनेक पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। हैरानी की बात ये है कि यह मानव निर्मित आकृति नहीं है, बल्कि यहाँ प्राकृतिक तौर पर अलग अलग तरीके से 8 आकृतियाँ बनती हैं। यह पर्वत एक ऐसा रहस्य है जो ईश्वर का चमत्कार कहलाता है। इस चमत्कार को देखकर कोई नास्तिक भी भगवान के इस पर्वत के चमत्कार के आगे नतमस्तक हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आपको ओम पर्वत के हैरान कर देने वाले रहस्य बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक, और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ओम पर्वत को आदि कैलाश या फिर छोटा कैलाश भी कहा जाता है। ओम पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 6191 मीटर है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिमालय में कुल 8 जगह पर ओम की आकृति बनती है, लेकिन अभी तक सिर्फ इसी स्थान की खोज हो पाई है। दोस्तों, ओम पर्वत पर जब बर्फ गिरती है तो वो कुछ इस तरीके से गिरती है कि दूर से देखने पर हमें ओम की आकृति नजर आती है। आप जानते हैं कि पहाड़ उबड़ खाबड़ होते हैं, इसी कारण पहाड़ के जिस जिस निचले भाग पर बर्फ गिरती है वो हमें दूर से नहीं दिखती, बल्कि पहाड़ का जो उथला हुआ भाग होता है सिर्फ वही हमें दूर से दिखता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि पहाड़ों को ओम के आकार की आकृति किसने दी? दोस्तों, क्या आप कैलाश पर्वत की खुफिया रहस्यमयी गुफा के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में गुफा है जो सैकड़ों मील लंबी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने वहां पर समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। गुफा की 100 मीटर की गहराई के भीतर कई मानव की हड्डियां मिली हैं।
गुफा के प्रवेश द्वार पर आप कुछ मदहोश कर देने वाला संगीत सुन सकते हैं, जिसकी तीव्रता बढ़ती जाती है जब आप और अंदर जाते हैं। यह तबले डमरू युद्ध के सींग से युक्त किसी प्रकार की आवाज है। ध्वनि का स्रोत अभी तक पता नहीं लग पाया है। आश्चर्यजनक रूप से गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बाहर की तुलना में बेहतर है और इसमें एक विदेशी गंध है। गुफा के अंदर का तापमान किसी भी अन्य गुफा की तरह बढ़ जाता है। इस तरह से तापमान असहनीय हो जाता है, जिससे इंसान गुफा के ज्यादा अंदर नहीं जा सकता। अंदर जाते ही आपके शरीर में एक अजीब कंपन महसूस होता है। आपकी सभी इंद्रियां असामान्य रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। यदि आपकी आंखें बंद हैं, तो आपको अजीब चीजें दिखती हैं। भारहीनता जैसी अनुभूति होती है, मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता हो। गुफा के अंदर गर्मी और चुंबकत्व के कारण अंदर भेजे गए सभी प्रोब, रोबोट, ड्रोन कुछ दूर से आगे नहीं जा सकते हैं। गुफा में जाने वाले इंसान का जीवन अजीब तरह से प्रभावित होता है, इसलिए प्रवेश द्वार को छलावरण रॉक दरवाजे के साथ सील कर दिया गया है। लेकिन शुरुआती तस्वीरें उपलब्ध हैं। कैलाश भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इससे जुड़े रहते हैं। यह सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। दोस्तों, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहुत सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है, जो शंग्रीला, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ से ही सबका भाग्य निश्चित होता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर अमर होने का राज छिपा है। दोस्तों, हिमालय में इसकी ठीक जगह किसी को भी नहीं पता। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी काफी ज्यादा फेमस है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। तिब्बत में लोगों के बीच ये स्थान काफी ज्यादा मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि की रामायण और महाभारत में ज्ञानगंज का जिक्र मिलता है और इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। दोस्तों, यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। शंभाला का मतलब होता है खुशियों का स्रोत। दोस्तों, आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद से इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे देखा नहीं जा सकता। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।